आप सभी को सादर वाला नमस्कार बच्चों, मैं दीवान तिवारी आज आप सभी का लक्ष्य बैच के डीपीपी के डिस्कशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा हमेशा होता है, आप लोगों की तारीफ में मैं कुछ शब्दों को कहना चाहता हूँ। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। यानी आप लोगों को इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आप लोग खुद मिसाल बन जाओ आने वाले बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर क्या कहा गया है, चलिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर, वाह शाबाश, आज तो गया, आज तो पक्का गया भाई। ये क्या लिखा है यार, पहले क्वेश्चन में पूरा इंप्रेशन डाउन करवा दिया। इसको पहले मेरे को ब्लैक करके अब फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्या लिख रहे हैं महाराज, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर है CH3MgI और यहाँ पर है डाई इथाइल ईथर है सॉल्वेंट में, ठीक है। और उसके आगे ही हमने रिएक्शन को फॉरवर्ड किया हुआ है यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस का। देखो जी, अब आओ मेरे, ये आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइक्लिक ईथर टाइप का आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पर साइक्लिक ईथर टाइप का आप लोगों को सब्सट्रेट दिया हुआ है और यहाँ पर ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है जहां पर CH3 के ऊपर क्या आएगा, माइनस, और ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर काम करेगा। पहली चीज क्लियर। अब यहाँ पर हमें इस ईथर की रिंग ओपनिंग करवानी है, क्या करवानी है, इस ईथर की हमें रिंग ओपनिंग करवानी है। अब ईथर की जो रिंग ओपनिंग होती है या साइक्लिक ईथर की जो रिंग ओपनिंग होती है वो SN2 रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है। और SN2 रिएक्शन के लिए आप लोगों का 1 डिग्री वाला मोर स्टेबल होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर दो तरीके से रिंग को तोड़कर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने ये ब्लू वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पर कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, 2 डिग्री बनेगा। और अगर आपने यहाँ पर ये येलो वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ा तो यहाँ पर कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। और आपको लोगों को पता है SN2 रिएक्शन के रिस्पेक्ट में जो 1 डिग्री वाला कार्बोकेटायन होता है वो जनरली यहाँ पर मोर रिएक्टिव यानी मोर स्टेबल होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली रिएक्शन आप लोगों को दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। यहाँ पर मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर आएगा बेटा आप लोगों के पास ऊपर माइनस, और यहाँ आएगा बेटा आप लोगों के पास इस वाले कार्बन पर आएगा आप लोगों के पास पॉजिटिव, ठीक है। ये रिंग तोड़ दिए, अब इस पॉजिटिव पर कौन आकर अटैच होना चाह रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करना चाह रहा है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा आप लोगों के पास यहाँ पर ये बनेगा, ऊपर अभी भी नेगेटिव मेंटेन है और यहाँ आ गया आप लोगों के पास CH2CH3 आ गया, ठीक है रे? अब आप लोगों ने यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया हुआ है यानी H+ है H2O के साथ, तो ये H+ जाकर कहाँ चिपकना चाहेगा, इस ऑक्सीजन के पास चिपकना चाहेगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों के पास बनेगा यहाँ पर आएगा OH और यहाँ आ जाएगा CH2CH3, तो यहाँ पर ये बनेगा बेटा फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों का। रिंग ओपनिंग हो रही है, साइक्लिक की रिंग ओपनिंग हो रही है, और साइक्लिक ईथर की जो रिंग ओपनिंग होती है यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात थी कि कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, SN2 रिएक्शन। फंडा समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? तो यहाँ पर जो आप लोगों का मेन प्रोडक्ट बनेगा यानी ये जो प्रोडक्ट होगा आप लोगों के पास, ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अगर आप ये वाली रिंग ना छोड़कर ब्लू वाली रिंग तोड़ते तो प्रोडक्ट तो ये भी बनता, नो डाउट, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट जो ग्रीन वाला मैंने बनाया ये मेजर होगा और जो ब्लू वाला बनेगा वो क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा, क्लियर? तो आंसर क्या जाएगा इसका, आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन बी चला जाएगा। अगला सवाल यहां पर भी क्या करूं यार, मैं दुखी हो गया इनसे, ये सब टाइपिंग वगैरह मैं नहीं करवाता हूँ, ये टाइपिंग वगैरह क्या है कि असिस्टेंट होते हैं तो बेचारे उनके पास भी समस्या रह सकती है कि वो, जरूरी नहीं है कि हर कोई, चलो खैर कोई बात नहीं, गुस्सा करने से क्या होगा। यहाँ पर आ जाएगा PHMGBr, ठीक है, और यहाँ आप लोगों ने इसका 1 इक्विवेलेंट लिया, क्लियर है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, आप लोगों के पास यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये वाली चीज है, यहाँ पर देखो एसिड डेरिवेटिव है, इसको नंबर 1 दे दिया है, और अलग कलर से बनाता हूँ, ये वाली भी यहाँ पर एसिड डेरिवेटिव है, इसको नंबर 2 दे देता हूँ। और आप सभी लोगों को पता है बेटा जितने भी एसिड डेरिवेटिव होते हैं
जितने भी एसिड डेरिवेटिव होते हैं ये सारी कौन सी रिएक्शन दिखा रहे होते हैं आप लोगों को, एस एन ए रिएक्शन दिखा रहे होते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर दिखा रहे होते हैं, और ये यहाँ पर आप लोगों को एस्टर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब मुद्दे की बात आती है कि कौन सा यहाँ पर भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, पीएच पर माइनस आएगा, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाला है यहाँ पर। अब मुद्दे की बात ये है कि इस न्यूक्लियोफाइल के प्रति कौन ज्यादा रिएक्शन दिखाने वाला है, क्या पहले वाला रिएक्शन ज्यादा दिखाएगा या सेकंड वाला रिएक्शन यहाँ पर ज्यादा दिखाएगा, ध्यान से देखना मुद्दे की बात क्या है यहाँ पर। मुद्दे की बात ये है कि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो भाई सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर उचकना चाहेंगे, ऑक्सीजन की तरफ ही उचकना चाहेंगे, क्लियर है कि नहीं है। तो बेसिकली बात है कि इस कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा, इस कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा। अब यहाँ पर ये जो पीएच माइनस है यानी ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कैसी स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है कि नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहाँ अटैक करना चाहेगी, जो भिखारी होगा यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है यहाँ पर ज्यादा ध्यान से देख, यहाँ पर लग रहा है बेटा आप लोगों के पास इस ग्रीन वाले पर, इस पहले वाले कार्बन पर किस किस का लग रहा है यहाँ पर ध्यान से देखना, पहले वाले कार्बन पर इस मिथाइल ग्रुप का और इस रिंग का, देखो यहाँ पर दोनों दोनों एक ही, देखो डायरेक्ट ये भी जुड़ा हुआ है डायरेक्ट ये भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों का प्लस आई लगेगा कि नहीं लगेगा, जब दोनों का प्लस आई लगेगा तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, यानी इसके पास पूरी तरीके से भिखारी नहीं है, इसके पास कुछ ना कुछ पैसे हैं। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले कार्बन की बात करूं तो इस सेकंड वाले कार्बन पर ये जो कार्बन है डायरेक्टली इस पूरे सेटअप से जुड़ा हुआ है, इस पूरे सेटअप से जुड़ा हुआ है, और इस पूरे सेटअप का एक प्लस आई लगेगा, तो ऊपर की तरफ दो प्लस आई थे, नीचे की तरफ एक ही प्लस आई है, तो यहां पर इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है वो कंपैरेटिवली फर्स्ट नंबर से ज्यादा है, यानी इसके पास पैसे कम है, यानी ये भिखारी ज्यादा है, जब ये भिखारी है तो ये न्यूक्लियोफाइल अपने पैसों को किसको दान करेगा बेटा, इस सेकंड वाले को दान करना चाहेगा, समझ में आई नहीं आई, क्लियर। तो अगर मैं इसको यहां पर बनाना चाहूं इस रिएक्शन को, तो क्या होगी यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहां पर आ जाएगा CH3, यहां पर आएगा COOCH3, यहां पर आएगा आप लोगों के पास CH2 COOCH3, क्लियर है। तो अब ये इधर की तरफ जाएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और इस पार्शियल पॉजिटिव पर अपने पास आएगा पीएच नेगेटिव, यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, तो कैसे बनाएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर बन गया CH3, यहाँ पर COOCH3 वैसे का वैसा ही, यहाँ पर आ गया CH2, यहाँ पर आ गया O पर माइनस, और यहाँ आ जाएगा आप लोगों का पीएच, यहाँ आ जाएगा OCH3, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ये ओ ने अपने इलेक्ट्रॉन को इधर दिए और यहाँ से ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, जैसे ये यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या दिखाई देगा, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया COOCH3, और यहाँ आ जाएगा CH2C, ऊपर की तरफ पीएच है और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो चेक करो ये प्रोडक्ट आप लोगों को कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये प्रोडक्ट आप लोगों को कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है चेक करो, तो आप लोगों को ये प्रोडक्ट बेटा ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, किसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में, यहाँ ओ बनाओ, ओ नहीं बनाया कि मैंने, ओ बनाओ, ठीक है, तो राइट आंसर चला जाएगा बेटा ऑप्शन डी। अगला सवाल, अरे यार आज तो मतलब तुम्हारा सारा बदला ले लिया इसने, तुमने तो नहीं भेजा था कहीं इसको ऑपरेटर को, जाओ हमारा बदला लेके आओ, इस सबने परेशान कर रखा है ऑर्गेनिक के सवाल करा करा के, तो हमारा बदला तुम्हारा बदला तो नहीं ले रहा कहीं भैया यहाँ पर ये। चलो यहाँ पर है CH3MgBr है, यहाँ पर भी इसको कर देता हूं मैं सही,
CH3MgBr, ठीक है। यहां पर गौर करना, यहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 2 डिग्री एल्कोहल इज ऑब्टेन एज अ प्रोडक्ट, यानी कौन सी रिएक्शन में आप लोगों को 2 डिग्री एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो पहली वाली रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ दोबारा कर देता हूँ, ए वाली रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए वाली रिएक्शन में ये आप लोगों के पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये कार्बोनिल कंपाउंड आप लोगों को पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, और यहाँ पर CH3- जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो आप लोगों के पास जो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ओ पर पार्शियल नेगेटिव आ गया, यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास CH3, यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास H, क्लियर है। चलिए यहाँ पर ये चीज हो गई। अब ध्यान से देखो, अब आप क्या करवा रहे हो, यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो सेकेंड रिएक्शन में, तो यहाँ पर क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बन गया ओ एच, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया H। तो ध्यान से देखो, ये ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली इससे और डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर आप लोगों को कौन सा एल्कोहल देखने को मिल रहा है, 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं बी बी रिएक्शन को अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो CH3C, यहाँ पर एच, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है और ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। अब यहाँ पर जो आपके पास है न्यूक्लियोफाइल वो क्या है, Cl है, यहाँ ये टूटेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। तो CH3C, यहाँ पर H, यहाँ पर आ गया O पर पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर आ गया C, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। एक ही चीज है, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक ही चीज, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने वापस क्या करवा दिया, H2 के साथ रिएक्शन करवा दिए, तो CH3C, यहाँ पर H, यहाँ पर आ गया ओ एच, यहाँ पर C, यहाँ पर ये, तो ये आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन यहाँ और यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसको भी क्या बोलूंगा मैं, 2 डिग्री एल्कोहल बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं सी ऑप्शन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सी ऑप्शन की, ये भी कार्बन है और ये भी आप लोगों को कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है, अगेन यहाँ पर CH3- है, ये भी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ये इधर की तरफ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, और ये यहाँ पर जाकर अटैक करेगा। तो आप लोगों के पास ये यहाँ ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर CH3, यहाँ पर कार्बन है, फिर यहाँ पर है कार्बन, और फिर यहाँ पर, और ये यहाँ पर, यहाँ पर है CH3, क्लियर है। अब आप लोगों को यहाँ पर वही हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो यहाँ पर ये ओ एच, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर C, ये तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, और इससे भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो एल्कोहल है वो आप लोगों का क्या होगा साहब, 3 डिग्री एल्कोहल होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो अब बताओ कि 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर कहाँ मिल रहे हैं, तो रिएक्शन ए और रिएक्शन बी में आप लोगों को 2 डिग्री एल्कोहल देखने को मिल रहा है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, आंसर जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, ये तो पक्का मतलब आज बस समझ ही लो, तुम कुछ बोलने वाला था लेकिन अब समझ ही लो, तुम आतंक मचा दिया इस आतंकवादी ने, इस आतंकवादी ने क्या मचा दिया, आतंक मचा दिया। चलो तो खबर लेनी पड़ेगी आज, मैं इतने दिनों से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन अब नहीं होगा बर्दाश्त। चलो जी, समझ में नहीं आता यार, और क्या इंप्रेशन डाउन हो जाता है फिर ऐसे मास्टर। चलो यहाँ पर आप लोगों को ये सब्सट्रेक्ट दिए हुए हैं और आप लोगों को यहाँ पर एंड प्रोडक्ट भी बताना है कि बी क्या बनेगा, ध्यान से देखना है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के पास एक एरिल हेलाइड नहीं है, ये एरिल नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड दिया हुआ है, Mg के साथ रिएक्शन हो रही है, और आप लोगों ने यहाँ पर सॉल्वेंट लिया हुआ है डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो ये Mg का यहाँ पर क्या होगा, इंसर्शन होगा, इंसर्शन होगा बेटा यहाँ पर,
इंसर्शन रिएक्शन होगी, मतलब Mg क्या हो जाएगा यहाँ पर, Cl के साथ में जुड़ जाएगा, एक एडिटिव प्रोडक्ट बना दिया है, ये बन गया आप लोगों का प्रोडक्ट ए। अब इस प्रोडक्ट ए की रिएक्शन हो रही है साहब CH2O, CH2O यानी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हो रही है, फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो माइनस, और यहाँ पर आ गया प्लस, और यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर जाकर अटैक करेगा, इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा। तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर आएगा कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर एच, और यहाँ पर आ गया साहब आप लोगों के पास एच। ठीक है, अब आप इसका करवा रहे हो साहब यहाँ पर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, ठीक है करवा दो ना, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से एच प्लस निकलेगा, और ये एच प्लस जाकर कहाँ पर चिपका, अच्छा एच थ्री ओ को लिखना तो आता है ना, ऐसे लिखते हैं एच थ्री ओ को ऐसे, तो यहाँ पर ये रिएक्टिव स्पीशीज होती है जनरली, तो ये एच प्लस जाकर यहाँ चिपकेगा, तो आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, CH2OH बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चेक करो कहाँ पर आप लोगों को CH2OH रिंग के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, सो ऑप्शन बी में आप लोगों को ये चीज दिखाई दे रही है, सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल, अरे एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, पंकज सर से बहुत दिनों से मुलाकात हुई नहीं क्लासेस वगैरह के चक्कर में, जरा वहां लिख देना पंकज सर दीवान सर मिसिंग यू, है ना, लिख देना जब लेक्चर देने आए तब, ओपी ओपी बहुत करते हो तो ये भी कर देना हमारे लिए, ठीक है। दीवान सर बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, ऑपरेटर से परेशान हो चुके हैं अबे ये मत लिखना ऑपरेटर वाला, ये लिखना कि मिस कर रहे हैं, ओपी लिख देना, चलो ये चीज हो गया यहाँ पर। तो ध्यान से देखना कि यहाँ पर हमारे पास 2 मोल ऑफ ये लिया हुआ है, तो देखना भाई रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। सबसे पहला काम, हमने इसको 2 मोल लिए हुए हैं, ये एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। अगेन ये एमजी यहाँ पर इंसर्शन रिएक्शन दिखाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखो सबसे पहले क्या होगा आप लोगों के पास, यहाँ पर आप लोगों के पास बनेगा MgBr, ये 1 मोल से बन गया, ये तो 1 मोल से बन गया। अब बचा हुआ 1 मोल किस फॉर्म में है, बचा हुआ 1 मोल इस फॉर्म में है यहाँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होने वाला, यहाँ पर ये टूटेगा बॉन्ड यहाँ से, और ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल काम की करेगा, ये यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर ये बनाएगा आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप लोगों को रेजोनेंस होते हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल, ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा और आपके पास बनाएगा ये यहाँ पर आ गया बेटा पॉजिटिव। यहाँ पर ये किस चीज में टूट रहा है, यहाँ पर ये इस चीज में टूट रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, तो अब ये माइनस कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करने की टेंडेंसी रखेगा कि नहीं रखेगा, बिल्कुल करेगा। जैसे ये यहाँ पर अटैक करेगा तो आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल कर आ रहा है बेटा, यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट ये निकल कर आ रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पर क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो चेक करें कौन से ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है बेटा, सो ऑप्शन बी में आप लोगों को यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पर रेजोनेंस करवाना था आप लोगों को, रीअरेंजमेंट करवाया आप लोगों ने, यहाँ रीअरेंजमेंट तो नहीं, बेसिकली इसको रेजोनेंस भी बोल सकते, ठीक है। तो प्रोडक्ट बी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला सवाल, क्वालिटी खराब हो जाती है वीडियो की ऐसे सब जब वे ढंग से बना के नहीं भेजते हैं। पी एच एम जी बी आर, और यहाँ पर आएगा आप लोगों के पास एच प्लस, देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोगों के पास कि ये है एच, ये यहाँ पर सी ओ, और ये है यहाँ पर सी एच थ्री, ये एक एल्डिहाइड लिया हुआ है आपसे, क्या लिया हुआ है साहब, ये एल्डिहाइड लिया हुआ है, और एल्डिहाइड क्या होते हैं, एक टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं ये, एक टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। अब ध्यान से देखना कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, इस कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहूँ, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, यानी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर,
है ना, यानी एक प्लेन होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन की तरफ तो इलेक्ट्रॉन उछल कर जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमने लिया हुआ है, PHMgBr, रामायण तो पता है ना, पीएच पर आ जाएगा माइनस, यानी ये यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल, अब तुम लोगों को हंसी आएगी, ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, यानी ये गरीब आदमी को सरकार में फोटो यानी अखबार में फोटो खिंचवा खिंचवा के दान कर रहा है, यानी अपर साइड अटैक हो रहा है, अपर साइड अटैक हो रहा है यहाँ पर, ऊपर से दान कर रहा है, और एक कर रहा है गुप्त दान। गुप्त दान कहाँ से होता है, सबसे छुपा के होता है, नीचे से कर रहा है भैया ये गुप्त दान। अब आएगी ऐसी तुम लोगों को बैक साइड अटैक, ठीक है। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने एक तो दान किया ऊपर से, एक दान कर दिया भैया बैक साइड अटैक, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ से अटैक करने के चांसेस इक्वल हैं, दोनों ही तरफ से। तो अगर मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से रह सकती है कि पहले वाले भाई दूर से आ रहा है तो ये चला गया यहाँ पर इस तरीके से, और अगर आप इसको इस तरीके से ना बनाकर इस तरीके से बनाना चाहो तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। तो यहाँ पर कंप्लीट रेसमाइजेशन को अगर आप मद्देनजर सोचें तो यहाँ पर 50% ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी और 50% ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, और इसको बोला जाएगा बेटा रासायनिक मिक्सचर। क्या बोला जाएगा बेटा इसको, रासायनिक मिक्सचर। ऐसे नहीं बना सकते, बिना वेज डैश के आप स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं बता सकते। तो अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है तो वेज डैश का यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर रासायनिक मिक्सचर किसकी वजह से बन रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कार्बोनिल कंपाउंड की ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर की वजह से। सो आंसर क्या जाएगा, आंसर चला जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला सवाल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स विद PHMgBr। यहाँ पर आप लोगों को पता है पीएच जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर ये जो चीज आप लोगों को दे रखी है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्या दे रखा है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं फंडा, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डिवाइडेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये फंडा होता है। इस फंडे से आप रिएक्टिविटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, पहले को अगर मैं लिखना चाहूं तो CO, यहाँ पर C6H5 आएगा, ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर में CH3, CO, यहाँ पर H आएगा, और तीसरी स्ट्रक्चर में आएगा साहब CH3, CO, CH3 यहाँ पर आएगा, क्लियर है। यहाँ पर देखोगे तो ये C6H5 और ये C6H5 क्या है बेटा आप लोगों के पास, बल्की ग्रुप है कि नहीं है? यहाँ पर ये बल्की ग्रुप है, बहुत लार्ज ग्रुप है, ठीक है। जबकि यहाँ पर एक CH3 है और यहाँ पर दो CH3 है, ठीक है। ये यहाँ पर लेस बल्की ग्रुप है, लेस बल्की ग्रुप है। तो अगर मैं आपसे स्टेरिक हिंड्रेंस पूछूं कि जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा उसके लिए रिएक्टिविटी कम, तो स्टेरिक हिंड्रेंस आपको कहां पर देखने को मिल रही है, बल्की ग्रुप कहां पर है, पहले वाले में, उसके बाद थर्ड वाले में, उसके बाद सेकंड वाले में बल्की ग्रुप सबसे कम है। जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम वहां रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली ज्यादा। तो यानी रिएक्टिविटी जो आप लोगों की यहाँ पर होने वाली है, रिएक्टिविटी जो रहेगी वो कौन सी रहेगी बेटा, सेकंड की, सेकंड के बाद यहाँ पर रहेगी रिएक्टिविटी आप लोगों के पास थर्ड, और थर्ड के बाद रहेगी रिएक्टिविटी फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में बल्की ग्रुप यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो क्लियर हुआ फंडा? तो यहाँ पर जो आप लोगों के अकॉर्डिंग जाएगा आंसर वो कौन सा जाएगा बेटा, ऑप्शन बी जाएगा। अगला सवाल, CH3MgBr है ये, ठीक है, और ये H2O है। ध्यान से देखना भाई, ये आप लोगों को न्यू कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है, कीटोन दिया हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड है। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा आप लोगों के पास, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, यानी ये इधर की तरफ आएगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा,
पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर सी एच थ्री एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। तो आप लोगों के पास ये चीज यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर आएगा आप लोगों के पास ओ नेगेटिव। ठीक है, अब आप इसका करवाओगे यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो यहाँ पर बनेगा बेटा सी एच थ्री सी एच टू सी सी एच थ्री सी एच थ्री, और यहाँ पर ओ के साथ एच चिपक जाएगा। यानी यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन गया साहब, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्या बन गया प्रोडक्ट में, 3 डिग्री एल्कोहल। तो चेक करो कौन से ऑप्शन में 3 डिग्री एल्कोहल दिया हुआ है, तो जैसे ही चेक करोगे तो ऑप्शन ए में आपको दिखाई देगा। अगला सवाल, दुष्ट है, दुष्ट दुष्ट आत्मा है ये, इसने पूरा ही रायता फैला दिया। भगवान, ये आएगा यहां पर पीएच एमजीबीआर, और यहां पर आएगा साहब H2O। ठीक है, और यहां पर आप लोगों को बताना है कि P क्या रहा होगा, तो ध्यान से देख लेते हैं यहां पर, सभी को मैं करके बता देता हूँ। पहला वाला करके बताता हूँ, देखो CH3CO, क्या करें भैया, करके बताना रहेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप पूरा पूरा सॉल्व क्यों करते हो, कल एक बच्चे का मैसेज आया सर जो ऑप्शन हो वही करो। मैंने कहा भैया तेरे को आता है, बाकियों को तो समझाना पड़ता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आएगा पीएच न्यूक्लियोफाइल, ये एसिड डेरिवेटिव है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा थ्रू एडिशन एलिमिनेशन, ये इधर की तरफ जा रहा है और ये यहाँ पर चिपकेगा। देखो देखते हुए चलते, सी एच थ्री सी, यहाँ पर पी एच, यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास ऊपर नेगेटिव, यहाँ पर आ गया ओ एच। ठीक है, अब ये इधर देगा और ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा, तो सी एच थ्री सी, यहाँ पर आ गया पी एच, और यहाँ पर आ जाएगा ये। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड बना, देखो यहाँ पर आप लोगों के पास एस एन ए हो रही है, और यहां पर होगी आप लोगों के पास एन ए आर। ठीक है, ये इधर आएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर सी एच थ्री सी पी एच, यहाँ पर आएगा आप लोगों के पास अगेन, यहाँ पर अटैकिंग स्पीशीज क्या है, पी एच ही है ना, पी एच ही रहेगा, और यहाँ पर ये ओ एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा, ये चीज बन ही नहीं रही, देखो ये बनाना था ये बन रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, गलत हो गया। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन को चेक करते हैं इस तरीके से है, यहाँ एच सी ओ ओ सी एच थ्री, अगेन यहाँ पर पी एच न्यूक्लियोफाइल, वही कौन सी रिएक्शन, एस एन ए रिएक्शन, एडिमिनेशन एलिमिनेशन, ये इधर की तरफ आएगा, ये इधर की तरफ आएगा, तो एच सी पी एच ओ सी एच थ्री, यहाँ पर आ गया ओ नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा, ये इधर आएगा, ये एज ए लिविंग ग्रुप जाएगा, तो यहाँ बनेगा एच सी पी एच और डबल बॉन्ड ए, कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, क्या बनाएगा, यहाँ पर वापस पी एच माइनस, यहाँ पर भी वापस पी एच माइनस, तो यहाँ पर एच सी पी एच पी एच, और यहाँ पर ओ एच। चेक करो क्या हमारे पास ये प्रोडक्ट डिजायर्ड चाहिए क्या, ये भी नहीं चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया। सारे बना के दिखा रहा हूं, ये मत बोलना आप डाउट में कि नहीं आ रहा, डंडा लेके पीटूंगा वरना, अगर ऐसे बोलोगे तो। देखो भाई यहां पर वही एसिड डेरिवेटिव है, कौन सी रिएक्शन होगी, एस एन ए ही हो जाएगी। ठीक है, वापिस वही ये इधर आएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर पीएच नेगेटिव अटैक करेगा इधर, तो होगा सी एच थ्री सी, यहाँ पर पीएच, यहाँ पर आएगा ओ पर नेगेटिव, यहाँ पर सीएल, अगेन ये इधर देगा अपना चार्ज, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो यहाँ बनाएगा सी एच थ्री सी पी एच डबल बॉन्ड ओ। अब ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, कार्बोनिल कंपाउंड है, अगेन पी एच नेगेटिव, ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर अटैक करेगा, तो सी एच थ्री सी पी एच पी एच, यहाँ पर ओ एच। चेक करो क्या प्रोडक्ट ऐसा है क्या, नहीं है, तो ये हमारे पास ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब वैसे दिमाग लगाओगे तो अब ऑप्शन डी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वही बनेगा, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य आप लोगों को क्लियर करना, तो मैं बता देता हूँ, सी एच थ्री सी ओ एच, एल्डिहाइड दिया हुआ है, यहाँ पर अटैकिंग स्पीशीज पी एच है, ये इधर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये इधर
CH3C PHO नेगेटिव, यहाँ पर आ गया H। हाइड्रोलिसिस कराओ एसिडिक मीडियम में तो हो जाएगा CH3C PHH, यहाँ पर OH। जैसा चाहिए था वैसा बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? डी जाएगा। सारी रिएक्शंस करके बता दी। अब ये नहीं बोल सकते आप लोग कि बताया नहीं। अगला सवाल अगला सवाल है यहाँ पर, ब्यूटेन टू ऑल, इसको ऑल करो, दुष्ट कहीं का टाइप राइट। ब्यूटेन टू ऑल इज ऑब्टेन बाय यूजिंग कार्बोनिल कंपाउंड एंड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल के यहाँ पर कैसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले रिएक्शन को देखो ध्यान से, यहाँ पर CH3COH, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के पास CH3CH2, देख लेना DPP में। यहाँ पर अब मैं बार बार इसको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ जाकर चिपकेगा तो यहाँ बनाएगा CH3C CH2CH3, यहाँ पर आएगा O पर नेगेटिव और यहाँ पर आ गया H। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कराओगे आप H+H3O+, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3C CH2CH3, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। चेक करो ब्यूटेन टू ऑल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बेटा आप लोगों को? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अरे IUPAC जानते हो ना यार, ये यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 और 4, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी को चेक करें, ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं साहब, ये क्या बना दिया इसने, स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया। CH3 क्या बनाया है इसने, महारत में CH2C, ये है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, जरा यहां पर ध्यान से देखना। चलो देख लेता हूं एक बार में, अच्छा दो बार है ना, तो इसको यहां पर ये करो, ठीक है, ये यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये यहां पर क्या होगा आप लोगों के पास CH3, ये है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है तो ये यहाँ पर जाएगा, तो ये बनेगा CH3CH2CH2C, यहाँ पर CH3 होगा और यहाँ पर O- आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आप एसिडिक मीडियम में जैसे आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर आएगा CH3CH2CH2C CH3, यहाँ पर OH, तो यहां पर बन रहा है आप लोगों के पास पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल बनेगा। इसको कर लेना, ये स्ट्रक्चर है उसकी, वहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर में गड़बड़ लग रही है, वो सिंगल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड नहीं है CHO के आगे। ठीक है, चलो सी की अगर मैं बात करूं, यहां पर बहुत ध्यान से देखना सी वाली, सब गड़बड़ कर रखा, सब गड़बड़ किया हुआ। ठीक है, जरा यहां पर ध्यान से देखना आप, जरा यहां पर ध्यान से देखना कि अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर इस सी की, तो यहां पर कीटोन दिया हुआ है, कीटोन, अरे क्या हो रहा है, किसी ने चल रहा पेन, CH3 CCH3, और यहां पर ये देखो, ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा आप लोगों के पास, और ये यहां पर होगा, ये यहां पर हो जाएगा आप लोगों के पास CH3-। ठीक है, तो ये इधर की तरफ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है, और ये यहां पर आप लोगों के पास इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो CH3C, यहां पर CH3, यहां पर OH, ठीक है, और यहां पर क्या आ गया आप लोगों के पास CH3 आ गया। तो जैसे देखोगे तो ये यहां पर आप लोगों के पास रिंग हो जाएगी, तो इसका नाम कैसे दोगे भाई, इसका नाम होगा आप लोगों के पास 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन, अब ये ई को हटाओगे आप टू और ये बनेगा, तो ये वाला सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी वाला ऑप्शन फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है, ये इधर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर है, यहां पर आ गया CH2CH CH3, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर की तरफ अटैक करेगा, HCO पर नेगेटिव आ गया है, यहाँ पर CH, यहाँ CH3,
सॉरी, यहां पर CH3 आ गया और यहां पर H आ गया। हाइड्रोलिसिस कराओगे आप एसिडिक मीडियम में तो यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर C, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर C, H, CH3, यहां पर CH3। नाम देने की कोशिश करोगे तो ये यहां पर आ जाएगा, तो जैसे ही दोगे तो यहां पर टू मिथाइल प्रोपेनॉल बन जाएगा, टू मिथाइल प्रोपेन वनॉल। क्या होगा इसका नाम? टू मिथाइल प्रोपेन वनॉल। तो यहां पर ये होगा, तो यहां पर हमें चाहिए था ब्यूटेन टू ऑल, तो ब्यूटेन टू ऑल तो हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा बेटा? ऑप्शन ए। वैसे ही पता लग गया था लेकिन पूरा सॉल्व करना जरूरी था। तो ये थे आपके डीपीपी के डिस्कशन, इसके आगे के डिस्कशन में हम अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।